नमस्कार, मैं हूं ज्योति सिंह। खबरों की शुरुआत करते हैं देश प्रदेश में। कारोबारी दर्शन हीरानंदानी ने कहा है कि महुआ मोइत्रा मामले में उन्होंने किसी भी दबाव में हलफनामा नहीं दिया। टाइम्स नाउ के साथ उन्होंने बातचीत में ये कहा, माना कि महुआ मोइत्रा का लॉगिन पासवर्ड दुबई से इस्तेमाल किया गया था, क्योंकि जब ये बात सामने आई थी तो महुआ मोइत्रा की तरफ से कहा गया था कि उन पर दबाव डाला गया है, जिसके बाद उन्होंने ये हलफनामा दिया। आप महुआ को कैसे जानते हैं? महुआ मेरी दोस्त है 2017 से। महुआ ने आपके हलफनामे पर सवाल उठाए हैं, कहा कि आपने दबाव में हस्ताक्षर किए। मैंने किसी दबाव में हलफनामा नहीं दिया है। मेरे निर्देश पर मेरे वकील ने यह हलफनामा ड्राफ्ट किया, सीबीआई को भी भेजा है। क्या आपने दबाव में सवाल अपलोड किए थे? मुझसे गलती हुई, बाकी जो कहना था हलफनामे में कह दिया है। आपने क्यों कहा कि जय अनंत के आरोप गलत हैं? फिर स्टैंड क्यों चेंज कर लिया? जब ये मामला एथिक्स कमेटी में गया तो मेरी जिम्मेदारी थी कि मैं अपना व्यक्तिगत पक्ष रखूं। क्या सवाल अडानी के खिलाफ थे? मोदी को टारगेट करने के लिए अडानी के खिलाफ सवाल पूछे गए। क्या उन्होंने बताया कि वो राहुल गांधी के संपर्क में थी? मैंने अपने हलफनामे में जो बताना था बता दिया। आप अपने हलफनामे पर कायम हैं? हाँ। क्या विदेशी मीडिया हाउस और अडानी के पूर्व कर्मचारियों से महुआ को मदद मिली? क्या महुआ ने ये जानकारियां आपको खुद दी हैं? जी हाँ। क्या आपने महुआ का लॉगिन पासवर्ड यूज किया? ये गलती मुझसे हुई। बीजेपी ने कहा है कि यह नेशनल सिक्योरिटी से जुड़ा मामला है। इसके बारे में मुझे पता नहीं है। कितनी बार लॉगिन पासवर्ड यूज किया? रिकॉर्ड से पता चल जाएगा। क्या आपने महुआ के सरकारी आवास की मरम्मत करवाई? मैंने जो कहना था वो हलफनामे में कह दिया है। क्या महुआ को 75 लाख 2019 चुनाव से पहले दिए थे? मैंने जो कहना था वो हलफनामे में कह दिया है, अभी कुछ और नहीं जोड़ना चाहता हूँ। लेकिन 75 लाख और 2 करोड़ की पेमेंट के बारे में हलफनामे में कुछ नहीं लिखा है। मेरी जो भूमिका थी वो हलफनामे में लिख दिया है। जूते, ज्वेलरी, बैग, वाइन, कैश, कई चीजें देने के आरोप हैं। क्या ये सिर्फ दोस्त को गिफ्ट थे? मैं हलफनामे में जो कह चुका हूँ अभी वही कहूंगा। जांच के समय जो पूछा जाएगा बता दूंगा। हाल ही में नारी शक्ति वंदन अधिनियम पारित हुआ। सर्वसम्मति से संसद में ये पारित हुआ। विपक्ष को एतराज सिर्फ इतना था कि इसे फौरन क्यों नहीं पारित किया जा सकता। वहीं कांग्रेस जगह जगह ओबीसी की नुमाइंदगी को लेकर सवाल उठा रही है। मध्य प्रदेश में दोनों दलों ने लगभग अपने उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कर दिया, तो देखते हैं कि इन दोनों ही बातों का कांग्रेस और बीजेपी ने कितना मान और ध्यान रखा है। कांग्रेस ने मध्य प्रदेश के लिए 229 तो बीजेपी ने 228 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर दिया है। दोनों दलों में नाराज नेताओं ने हंगामा मचा रखा है। प्रस्ताव कुछ दिनों पहले संसद में ऐसा हंगामा मचा था जब नारी शक्ति वंदन अधिनियम पारित हुआ। विपक्ष ने सरकार का साथ दिया लेकिन पूछा फौरन लागू क्यों नहीं करते। महिला आरक्षण को आज किया जा सकता है। 33% आज जो सीट्स हैं लोकसभा में विधानसभा में वो महिलाओं को दी जा सकती है। कोई कॉम्प्लिकेटेड मामला नहीं है। वहीं कांग्रेस जगह जगह सरकार से लेकर पत्रकारों तक से पूछने लगी है कि कितने ओबीसी के लोग हैं। दोनों दलों की लिस्ट आई तो ये जान लेना दिलचस्प है कि महिला और ओबीसी को दोनों दलों ने कितनी नुमाइंदगी दी है। मध्य प्रदेश में महिला वोटर 2,67,00,000 हैं, यानी कुल 48.36% वोटरों का। लेकिन 230 सदस्यों वाली विधानसभा में बैठी है 22 विधायक, यानी 10% से भी कम।
11 बीजेपी से, 10 कांग्रेस से और एक बहुजन समाज पार्टी की महिला विधायक। पिछले 3 चुनावों में बीजेपी ने 10% तो कांग्रेस ने 12% महिलाओं को टिकट दिया है। इस बार कांग्रेस ने 30% यानी 13% तो बीजेपी ने 28% यानी 12% महिलाओं को मैदान में उतारा है। बीजेपी ने अब तक 228 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान किया है, जिसमें 69 ओबीसी उम्मीदवारों को टिकट दिया है यानी 30%। वहीं कांग्रेस ने 229 में से 62 ओबीसी उम्मीदवारों को टिकट दिया है यानी 27%। मध्य प्रदेश पिछड़ा वर्ग आयोग की रिपोर्ट के मुताबिक राज्य में 48% ओबीसी मतदाता हैं। जब महिलाओं की विजिबिलिटी बढ़ेगी, जब महिलाओं की सहभागिता बढ़ेगी, तो एक समय ऐसा भी आएगा महिलाओं को आधे टिकट दिए जाएंगे। ये जो इंसेंटिव्स हैं, ये तय करते हैं कि भारतीय जनता पार्टी उनको जिताऊ सीटों पर लड़ाती है, कांग्रेस हारने वाली सीटों पर लड़ाती है, ताकि सिर्फ उनको लॉलीपॉप दिया जाए। कांग्रेस ने उनके हित में जब याचिकाएं लगाने की बारी आई तो उसमें खामोश रही। आज भी अगर हम देखें तो भारतीय जनता पार्टी ने ओबीसी वर्ग को कांग्रेस से अधिक टिकट दिया, ये स्पष्ट करता है कि हमने 3 मुख्यमंत्री भी दिए, हमने प्रधानमंत्री भी दिया और सदैव इस वर्ग के साथ न्याय किया। हमारे नंबर अभी भी ज़्यादा हैं बीजेपी से। हमने पिछले चुनाव में 2018 के मुझे याद है बीजेपी ज़्यादा महिलाओं को टिकट दिए थे। भारतीय जनता पार्टी जो अपने एक तरह से उपलब्धि के तौर पर चीख चीख के कह रहे थे महिला आरक्षण बिल, उनसे सवाल होना चाहिए कि उन्होंने क्यों इस तरह का अन्याय किया। कांग्रेस के भी महिला प्रत्याशियों से उनकी प्रत्याशी कम क्यों हैं। जहाँ जहाँ संभावनाएँ बनी कि ओबीसी को हम टिकट दे सकें, वहाँ हमने टिकट दिया। और जो लोग 4 बार से कहते हैं कि ओबीसी का मुख्यमंत्री रहा हो, आज उन्होंने कहाँ ला के खड़ा कर दिया ओबीसी को। अगर कास्ट सेंसस हो जाए, अगर कास्ट सर्वे हो जाए, तो शायद और प्रतिनिधित्व बढ़ सकता है। लेकिन जो लोग इसको रोक के बैठे हैं, उनकी कहीं ना कहीं गलती है और इसके पीछे नाकामी उनकी है। एक पुरानी कहावत है, कथनी और करनी में फर्क। चाहे महिला आरक्षण का मुद्दा हो या ओबीसी की नुमाइंदगी, दोनों दलों के शीर्ष नेताओं की कथनी तो आप सुनते ही हैं, करनी लिस्ट में दिख जाएगी। जब उम्मीदवारी ही नहीं देंगे तो फिर नुमाइंदगी कैसे होगी। भोपाल से अपने कैमरा सहयोगी रिजवान खान और अमृतांशी जोशी के साथ अनुराग भारी, एनडीटीवी इंडिया। और अब बात दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण की। दिल्ली में प्रदूषण का स्तर लगातार खराब हो रहा है, लेकिन प्रदूषण को लेकर गंभीरता का आलम यह है कि कल दिल्ली में प्रदूषण को लेकर हुई अहम बैठक में सबसे अहम अधिकारी ही नहीं पहुंचे। दिल्ली में ठंड बढ़ने और हवा की गति कम होने के साथ प्रदूषण बढ़ने लगा, साथ ही दिल्ली से सटे हरियाणा से पराली जलाने की तस्वीर भी सामने आने लगी। दिल्ली का एयर क्वालिटी इंडेक्स 300 के पार चला गया, यानी बहुत खराब। कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट ने ग्रेप 2 के तहत और पाबंदी लगाने का फैसला किया था। ये पाबंदियां किस तरह सख्ती से लागू कराई जाएं, इसके लिए दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने सोमवार दोपहर अहम बैठक बुलाई, लेकिन इस बैठक में पर्यावरण सचिव, डिविजनल कमिश्नर और पीडब्ल्यूडी सचिव जैसे अहम और आला अधिकारी पहुंचे ही नहीं। गोपाल राय के मुताबिक जूनियर अधिकारियों के साथ बैठक करनी पड़ी। हमारे पर्यावरण विभाग के सेक्रेटरी वही नहीं आए, डिविजनल कमिश्नर जो एक इम्पॉर्टेंट रोल इसमें प्ले करते हैं वो भी नहीं थे, एमसीडी के कमिश्नर भी नहीं थे, पीडब्ल्यूडी के सेक्रेटरी नहीं थे, और कई विभागों से डिविजनल कमिश्नर के यहाँ से एक साउथ डिस्ट्रिक्ट का एक एसडीएम आया मीटिंग ज्वाइन करने। साउथ डिस्ट्रिक्ट का एक एसडीएम पूरे दिल्ली के अंदर कैसे कोई निर्णय इंप्लीमेंट करा सकता है। मेरा ये कहना है कि सीनियर अधिकारी अगर इसको अपनी प्रायोरिटी में नहीं लेते हैं तो इम्प्लीमेंटेशन संभव नहीं है। मीटिंग से नदारद रहने के मामले पर अधिकारियों का अभी तक कोई पक्ष सामने नहीं आया है। हालांकि इस बैठक में कुछ फैसले लिए गए। 13 हॉटस्पॉट के अलावा 8 और लोकेशन पर प्रदूषण बहुत ज्यादा पाया गया है, वहां विशेष टीम तैनात की जाएंगी। डस्ट कंट्रोल के लिए अभी तक केवल पानी का छिड़काव हो रहा था, अब पानी में डस्ट सप्रेसेंट मिलाया जाएगा ताकि डस्ट देर तक बैठी रहे। 25 अक्टूबर से रेड लाइट ऑन गाड़ी ऑफ कैंपेन शुरू किया जाएगा। प्रदूषण, जिस मुद्दे पर राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में इतनी चिंता हो रही है, मीडिया हेडलाइन बना रहा है, उस मुद्दे पर भी जब बैठक होती है तो आला अधिकारी बैठक में नहीं पहुंच रहे, तो यह सवाल उठना लाजमी है कि आखिर दिल्ली की गवर्नेंस चल कैसे रही है।
दिल्ली से अपने कैमरा सहयोगी मोहम्मद मुर्सलीन के साथ मैं शरद शर्मा, एनडीटीवी इंडिया।